गुड मॉर्निंग दोस्तों, कदरदानों, आपके सामने हम लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक कि ये जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा पावर की, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आत है, इसको हमने बढ़कर कैसे यूज करना है। तो कहते हैं ना, जिस चीज़ की अच्छी बहुत आत हो, मिलती हो आराम से, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे। पहले हम बात करते हैं कि देखो, हमें, हम देश के, इंडिया के वासी हैं, हमारा धर्म कहता है कि हमें बांट कर कोई भी चीज़ यूज करनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये बिजली है, कोई भी ऐसी चीज़ है, जब हम खाना भी खाते बांट कर खाते हैं, इसलिए हम जान सकते हैं कि हमारे पास जितनी ये बिजली की बहतात है, इसको कैसे अच्छी कर बांट कर खाना है, यूज करना है। जैसे आप जानते हैं कि गांव में इतनी बिजली छोड़ देती दिया जाती है कि हमें इतनी चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कि जो ये सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ वगैरह, इन लोगों को ऐसी कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। मैं जीते देते हैं, पता नहीं सरकार क्या करती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गांव से इतनी बिजली पानी छोड़ते हैं कि हमें उसका बहुत आस हो जाती है, तो हमें चाहिए कि इन लोगों के लिए हमें कुछ बचा कर देना है, सो ऐसे जो जो लोग हैं ये भी आराम से रह सकें। आपको पता होगा वर्ल्ड जो है कि बैंक एक मिली थी हमें खबर कि 40% ऑफ रेजिडेंशियल इन इंडिया आर ओवर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे, और 60% जो लोग जो रहते हैं कि उनके पास बिजली नहीं होती है, और डेली हमें 10-10, 12-12 घंटे ज्यादा बिजली दे देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, हमें क्या करना है बिजली। तो हम डिजर्व करते हैं कि फिर ट्रीटमेंट लें, ऐसी बीमारी पर रहें। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स यूज शेयर करने जा रहा हूँ, वो ऐसे हैं कि जैसे कि कुछ आपके घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप पाए जाते हैं, उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। उनके मॉनिटर जब नहीं यूज करते हैं, उसको बंद बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे जो ओवर आती है बिजली गांव में, लैपटॉप्स भी बहुत हैं गांव में, कंप्यूटर बहुत हैं, तो उनको चलता रखना है। सबके घरों में बल्ब इतने जलते हैं, बिजली से ऑन करो उनको। दूसरी बात है कि टीवी पे ये जो आपके कमर्शियल कभी कभी आते हैं, उनका क्या करना है आपने कि उनको लगे रहने दो। उस टाइम में जो जो आपका टीवी है बंद नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि आपको मिस प्रोग्राम मिल जाए, तो कैसे एंजॉय करेंगे हम। एक और बात है कि जब आप कहीं सी लेवल रीजन पे अब कहीं हो, तो आपको मैक्सिमम चाहिए कि आप पंखे वहाँ लेकर जाएं, आपको विंडोज और डोर को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ से तो प्रेजेंट हवा नहीं आ सकती, अंदर से ऑन कर दो सभी और एंजॉय करो। और घर में देखो कि आपकी जो सभी अप्लायंसेस हैं, एटलीस्ट मोर देन 24 आवर जलती रहनी चाहिए। ऐसे आपकी जो बढ़कर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर मिल रही है, उसको हम सही यूज करेंगे, इसकी यूटिलाइजेशन होगी। एक और मैंने सुना है कि जो जो लोग पावर के लिए सोलर को जा रहे हैं, सूर्य देवता को जो यूज करने जा रहे हैं, जो डॉट गो फॉर द सोलर, आई रिक्वेस्ट यू नेवर ट्राई सोलर वाटर सिस्टम, सोलर कुकर, सोलर सेल, ऐसा कुछ नहीं। जो सब बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक मैंने एक सेंटेंस सुना था, वो आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि नेवर स्विच ऑन ऑल द फैंस एंड लाइट यू नीड और मतलब। मैं वो कहते थे स्विच ऑफ नहीं करना है, ये मैं आपको दोहरा रहा हूँ, ऑलवेज स्विच ऑन ऑल द फैंस एंड लाइट
यू मे इंक्वायर और मे नॉट, ऐसे आपका जगमग करेगा घर। तो जो मेरी जो सभी बातें हैं जो बड़ी सीरियस से बोलनी है और ऐसे भी करना है, तो आपके जो दोस्त मित्र हैं रिश्तेदार हैं उनको भी बताइए, घर में सभी को बताओ कि जो कोई बलब क्यों नहीं कर रहा है, जो कोई आज अच्छा क्यों ऑफ है, टीवी 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 ऑफ करके नहीं रखना है, उनको बोलो, बच्चों को बोलो कि सभी कंप्यूटर ऑन होने चाहिए। उसके कहने से धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो ओवर सप्लाई है हम जूते बाइक करना शुरू कर देंगे गांव में जो ज्यादा आती है, तो कभी कोई थोड़ी थोड़ी मैं कहता हूँ कि बचा लेनी चाहिए इन सिटी को देने के लिए, इन लोगों को, इन गरीब लोगों की लिफ्टें, इन लोगों की एयर कंडीशन भी चलना चाहिए, कोई बात नहीं, हम भारतीय हैं और शेयर करके यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ऐसी चीजों की, क्योंकि पावर तो इतनी ज्यादा आ गई है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर घूम रही है, सभी इन गांव से इकट्ठी करके इन सिटीज को भेजो। आपके लिए तो बहुत अच्छा कुल का मामला है जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।